देख तेरी दुनिया की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। भगवान ने इंसान को बनाया, पर इंसान ने और भी तरह के इंसान बनाया। शुरुआत पहले गोरे काले से हुई, फिर उसे जातिवाद में बांट दिया गया। नमस्कार, मैं विशाल चौहान न्यूज़ 11 के खास प्रोग्राम बोले बिहार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बोले बिहार में इसी जातिवाद के मुद्दे को लेकर निकले हैं और लोगों से उनकी राय जानेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बात बता दूं, जो गोरे काले का जो भेद था उसे हमारे ही देश के बापू महात्मा गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था दूसरे देशों में जाकर। लेकिन उनके ही देश में अब गोरे काले के बाद अब जातिवाद की राजनीति हो गई है। अगर वो अभी जिंदा होते तो मेरे ख्याल से दोबारा मर जाते। पहले हम लोग हिंदुस्तानी थे और अब स्वर्ण हिंदुस्तानी, अनुसूचित जनजाति हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तानी, सारे जाति को अलग कर दिया गया है। आपको ये भी पता होगा चुनाव सर पे आ गए हैं, केंद्र सरकार ने आरक्षण को लेकर स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ, इन्हीं आरक्षण के मुद्दों के साथ आज हम पटना में निकलेंगे और लोगों से जानेंगे, स्वर्णों से भी जानेंगे, अनुसूचित जनजातियों से भी जानेंगे, अन्य लोगों से भी जानेंगे कि क्या ये जो आरक्षण सरकार ने दिया है वो क्या सही है और कितना हद तक सही है। आज इन्हीं पे हम निकले हैं पटना की सड़कों पे और चलते हैं पटना के लोगों से इनके बारे में राय जानने। हाँ, आप बताइए, जो स्वर्णों को लेकर जो आरक्षण की बात कर रही है मोदी सरकार, हाँ, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? खूब बहुत बढ़िया, पहले राय इनको और करना चाहिए था, ये लास्ट समय में कर रहे हैं, ये और बहुत पहले होना चाहिए था। हाँ, देर तो दुरुस्त, कहीं खेत में आकर के कुश्ती लड़ना है, ये नहीं, ये जो कर रहे हैं सो बहुत अच्छे समय पर, मगर और पहले होना चाहिए था। ये सब बेरोजगार लेकिन टहल रहा है और महिला को चाहिए 50। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्गों के लिए किया है। हाँ, बहुत अच्छा किए हैं। बताइए, जो स्वर्णों को जो आरक्षण देने की मोदी सरकार ने जो बात कही है, जो बिल को पास करने की कोशिश करी, इसमें अपना क्या आप कहेंगे? बहुत अच्छा रुख है मोदी सरकार के द्वारा, ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। खासकर स्वर्ण हमारे बहुत काफ़ी परेशान थे जॉब के लिए, और ये 10% का आरक्षण उनके लिए वरदान जरूर साबित होगा, और ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है अगले लोकसभा चुनाव में। ये थे इनकी राय, और चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आप बताइए, आरक्षण की जो बात कर रही है मोदी सरकार, इसके बारे में अपना आप क्या कहेंगे, अपना राय? इसमें यही बात कहें कि इसमें गरीब और अमीर क्या इसमें था कि गरीब लोग को जो रही पढ़ने के मतलब तो उसको आरक्षण मिल गया, इसे 10% जो 8% को कम मौका मिला उसे अच्छा हुआ, इसके लिए बहुत पहले हो चले, लेकिन हो गया, देर हुआ अंधेर नहीं, हो गया लेकिन अच्छा हुआ, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बस यही कहें। और आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण जो कि आरक्षण वो कांग्रेस से ही आया था, और कांग्रेस में 2014 से ही यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन 2014 में कांग्रेस 10 साल के बाद यह मुद्दा को नहीं कर पाया, और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आए तो बीजेपी की सरकार ने यह मुद्दा को उठाया, लास्ट टाइम पर बीजेपी ही है, कांग्रेस ने अपने मुद्दा को पूरी तरह से नहीं कर पाया था। और यह भी आरक्षण जो कि है वह गरीब के लिए आरक्षण स्वर्ण सेना के लिए नहीं है, 10% आरक्षण मिला है स्वर्ण के लिए नहीं मिला है, हर जाति के लिए, मुस्लिम हो या सिख हो, इसमें सब जाति के लिए 10% आरक्षण मिला है, इसके लिए अच्छा है, और जो कि बेरोजगार लोग हैं, यूथ लोग हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है 10% का आरक्षण। ये आरक्षण 135 करोड़ लोग में से, इंडिया के 135 करोड़ में से OBC 70% का है, लेकिन उसमें स्वर्ण सेना के स्वर्ण आदमी लोग यहाँ पर 31 करोड़ लोग हैं, 31 करोड़ में 2011 से 2010 और 11 में 1.43 करोड़ ही शिक्षा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से 29 करोड़ लोग को यह 10% का आरक्षण मिलेगा। चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी राय। आप बताइए सर, जो ये जो आरक्षण की बात जो कर रही है मोदी सरकार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आरक्षण जो है गरीब लोगों के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे देश में आरक्षण गरीब लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण पे राजनीति भी जो ज़्यादा होता है, राजनीति के कारण जो हमारा देश बर्बाद होने जा रहा है, आरक्षण आज राजनीति का मुद्दा बन गया है। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हर मुद्दे को राजनीति बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आरक्षण को स्टूडेंट से जोड़ करके, हम यूथ से जोड़ करके राजनीति भी हो रहा है, और इस हिसाब से हम लोग का जो है यूथ गड़बड़ हो रहा है, मतलब हम लोग का जो फ्यूचर है बर्बाद हो रहा है, कितना
यूथ जो है सर, लोग राम मंदिर को लेकर हल्ला कर रहे थे, लेकिन अचानक से सरप्राइजिंग पैक हो गया। एक पैकेज उन्होंने दिया मोदी सरकार ने स्वर्ण को लेकर, राम मंदिर मुद्दे को जो है वो बिल्कुल एक मुद्दे कहीं हाइड हो गए हैं और ये मुद्दे अभी आ गए हैं स्वर्ण जो आरक्षण की बात। तो राम मंदिर पे आप क्या कहेंगे? राम मंदिर ये कहीं उनकी ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं ना है? हमको तो एकदम लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है। राम मंदिर बना, मतलब राम मंदिर पर कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं और यहाँ पे 10% आरक्षण दे दिए। 10% आरक्षण पे क्या होगा हम लोग को? आज फिर से हर एक जाति जो है एक भी लड़ने लगेगा। अब फिर कोई एक मुद्दा उठाएगा कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। बनना चाहिए राम मंदिर। और जहाँ तक कि पढ़ाई का बात है, एबिलिटी का बात है, तो सबका सेम रहना चाहिए। गरीब लोगों को दीजिए, ठीक है। क्या लगता है वो ऐसे करने से फिर वो लोकसभा जो विधान जो इलेक्शन है वो सर पे है, कहीं ये उसके लिए तो नहीं कर रहे हैं? और क्या लगता है ऐसा करने से वो फिर उनकी जो है अगली सरकार बनेगी? ये तो सरकार तो आगे भगवान जाने, ये हम क्या बताएं। आप अगर वोट करेंगे तो किसे करेंगे? जो अच्छा करेंगे अभी और लोगों से जानते हैं। चलिए, सर देखिए, आरक्षण तो या तो किसी को नहीं दीजिए, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए देश में। अगर आरक्षण लगाना भी है तो ये स्वर्ण और किसी जाति के बेसिस पे ना लगा के अगर हम लोग लगाएं गरीबी और अमीर, मतलब जो गरीब है बस उसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो छोटे, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में है वो आपको अमीर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आरक्षण लगना चाहिए तो वो गरीबी और अमीरी के बेसिस में ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे आइए जानते हैं कि जो स्वर्णों को लेकर जो आरक्षण दिया गया है उसमें कितने सहमत है। हमारे साथ आइए युवा जी, उनसे बात करते हैं। जो अभी बिल पास हुआ है स्वर्णों को आरक्षण देने की, मोदी सरकार कर रही है, इसमें बताइए आपका क्या राय है? ना, बहुत बिल्कुल अच्छा है। सरकार का जो भी प्रस्ताव है काफ़ी अच्छा है। बात पहले होना चाहिए था मगर देर से ही सही, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इससे जो भी गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं स्वर्णों में, जिनके पास संसाधन का अभाव रहा है, जो गांव से आते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये। और आगे जो जिन तरह से OBC को और SC को रिजर्वेशन मिल रहा था, अब इनको भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनके मन से जो ये बात चल रही थी कि सरकार हम पे ध्यान नहीं देती, और वो जो राजनीतिक अछूत की बात करते हैं, जो स्वर्णों की बात नहीं किया करते थे पहले, अब उनकी भी बात होगी। और इस तरह से ये एक सम्मानजनक फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। पहले उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन जो फैसला है, और इससे अच्छी बात है कि सभी पार्टी ने स्वागत किया इसका। कुछ दलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों ने स्वागत किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि माहौल नहीं था, पॉलिटिकल माहौल नहीं था। सभी लोग चाह रहे थे लेकिन कोई खुल के बोलना नहीं चाह रहे थे। अब जब किस सरकार ने बोला है, मोदी ने इसको रखा प्रस्ताव, तो सभी लोगों ने समर्थन किया। ये भी और अच्छी बात है, ये विरोध नहीं हुआ ज़्यादा इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं युवाओं की काफ़ी जोश है और हमारे साथ और भी युवा जुड़ चुके हैं। ये इनसे जानते हैं इन आरक्षण के मुद्दों के बारे में। जो अभी मोदी सरकार ने जो 10% आरक्षण की बात कर रही है स्वर्णों के लिए, इसका क्या कहना? बेसिकली एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आरक्षण जो है, जो चाहे आप आज के डेट में आप देख रहे हो, आप इसको स्वर्ण के लिए बोलो, चाहे जो पहले ये दिया गया था, मेरा यही मानना है कि जो भी विद्यार्थी जब वो परीक्षा में बैठता है और जिस समय वो पेपर को दे रहा होता है, उस समय उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं चल रही होती कि कितने प्रतिशत सीट उसके रुके हुए हैं और वो कितने पे कितने क्वेश्चन को करेगा। तो मैं तो स्टूडेंट को यही मानता हूँ कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, जिस समय वो परीक्षा को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो कोई भी जात से हो, कोई भी वर्ग से हो, वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि उनको कितना मार्क्स लाना है। ये जब पूरी परीक्षा हो जाती है उसके बाद ये चीज़ होता है। तो अब जब 10% का आया है तो कुछ फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो कहते हैं कि एक नंबर से छूट जाते थे, बाकी हमारे लिए तो ये समान है। मींस हमारे लिए स्टूडेंट एक ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल भी आरक्षित नहीं है। ये परीक्षा देते समय कोई भी नहीं कह सकता कि इनको कितना 8 नंबर ही चाहिए, 10 नंबर ही चाहिए। अपने कैटेगरी के अनुसार सॉल्यूशन सबको सेम है, बाद में वो सरकार करती है। बहुत हाई लेवल की बात है सर। ये जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जा रही है, तो इससे जो इकोनॉमिकल जिनकी कंडीशन खराब थी उनको कितना हद तक लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए चीज़ें को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जब आप बोलते हैं
तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। अब ये आर्थिक आधार पे किस तरह से इसको सरकार फिर जा के घरों में जाके किस तरह से वो इसका मीन्स इवैल्यूएशन करेगी कि किस कौन कितने पैसे कमा रहा है, वो कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब वो करेगी या राशन कार्ड से करेगी, ये तो अब आगे जो फैसला होगा या उस पर जब कार्यवाही होगी तब जानी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट से कि वो ये सब चीज़ों को अपने मन में ना लगाएं, वो सिंपली अपने पेपर पे ध्यान दें। और क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देना देते रहते हो तो उस समय क्या आप बोल सकते हो कि मैं 13 नंबर करके उठ जाऊँगा? नहीं बोल सकते हम। तो इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्जाम वी कैनॉट डिसाइड दैट व्हाट सॉर्ट मार्क्स आई नीड टू डू फॉर माई कैटेगरीज। सो वी आर ऑल जनरल और वी ऑल आर मीन्स कैटेगराइज जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो अभी सरकार दे रही है स्वर्णों को 10% आरक्षण की बात कही है, ये कितना हद तक सही है? देखिए, इसमें एक्चुअली में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में दे रही है तो फिर भी स्वागत योग्य तो है। लेकिन आरक्षण मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज नहीं देनी चाहिए, एक आर्थिक आधार पर दे तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा इसको सारे में करना चाहिए। लेकिन हम लोग को दे रहा है, दुरुस्त है वाली बात, बहुत सही है, स्वागत है। जी जी, जो कमजोर है उन्हें दिया गया, उन्हें दिया गया है, उन्हीं के लिए ही सही है। जैसे मैं खुद आता हूँ एक अनरिजर्व से, तो हमारे लिए भी सही है, हमारे फादर जी उतने कमाते नहीं हैं, सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं वो अधिकतर जो है सामान्य वर्ग से आते हैं जिनके पास उतनी संसाधन की कमी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए बेहतर है कि 10% ही मिला, लेकिन फिर भी बहुत सही है। ये सरकार की जो उठाई गई कदम है काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है, लेकिन इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था ताकि आज बहुत हम लोग में जो अनारक्षित सामान्य युवा हैं, बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, उसमें आज थोड़ी कमी आई होती, गिरावट आई होती, तो बहुत सही है मेरे हिसाब से। अच्छा दे रही है केंद्र सरकार, इसको लोग क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, जो जनरल में इसमें 10% रिजर्वेशन जो भी दी जा रही है, ये कदम पहले ही गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे कास्ट में जितने OBCs और SC/ST कास्ट हैं उन सारे लोगों के लिए रिजर्वेशन पहले से थी, और हमेशा जनरल लोगों के लिए ये था कि हम लोग के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ही पहले इन लोगों के लिए कि उन लोग को इसमें 10% रिजर्वेशन मिला। बढ़िया है, जो मतलब गरीब लड़का है उसको तो दिक्कत होता ही है, ठीक है, और जो मतलब ये हैं बैकवर्ड हैं वो मतलब जल्दी आते हैं और लेके चले जाते हैं, और जो गरीब लड़का है वो आता है और उतना नंबर उठाता है उसका भी नहीं होता है। हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है जो सरकार किया है, कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हम लोग विरुद्ध। जी, हमको तो कहना ये है कि इनको और बहुत पहले ही ये व्यवस्था कर देना चाहिए था, बिकॉज हर वर्ग में स्टूडेंट कम गरीब अमीर सब वर्ग में होते हैं, तब भूमियार समाज या तो जनरल में भी गरीब अमीर होते हैं, इसलिए ये अच्छा ही किए हैं। तो ये किए जो अब इलेक्शन के टाइम में जो कर रहे हैं ये और पहले ही होना चाहिए था, काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलता। व्यवस्था किया है मोदी सरकार ने, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे जो कि ज़्यादा नंबर ला के भी आज नौकरी में नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा वरदान है ये, क्योंकि ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे करके ही जो गरीब बच्चे का हौसला बुलंद रहेगा वो भी नौकरी में जा सकेंगे, वो भी सरकार के द्वारा सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इससे और भी फायदा हो जनरल को, और भी कुछ स्कीम हो तो सरकार लॉन्च करे ताकि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से। और चंदे, पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है इस भारत देश में कि जिसने जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण की बात कही है। मैं इस मोदी सरकार के इस आरक्षण के नियम को समर्थन करता हूं, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि हमारे देश में प्रतिभा तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम उसका सही तरीके से उसका चयन करें। अगर हम उसके सही योग्यता के आधार पर उसको चयनित करते हैं तो निस्संदेह हमारा राष्ट्र उत्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन अगर जनरल कैटेगरी को मोदी सरकार ने 10% दिया है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत सारे योग्य बच्चे कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन प्रक्रिया के कारण जनरल को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो उससे वो वंचित रह जाते थे। लेकिन अगर हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते अगर अपने विचार को अगर हम स्पष्ट करें तो इस देश का उत्थान तभी हो सकता है जब पूर्णतया आरक्षण जैसे विष को समाप्त कर दिया जाए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक गुजारिश भी करूंगा कि कृपया करके कुछ ऐसे कदम भी उठाने का प्रयास करें कि इस देश में किसी को भी आरक्षण की ज़रूरत ना पड़े, बिना आरक्षण के हमारा देश, हमारे विद्यार्थी, हमारे देश की युवा पीढ़ी
एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। और देखिए ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के साथ कुछ ना कुछ एक दुगलापन व्यवहार होता था, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर की बात हो, चाहे वो किसी भी सरकारी संस्था की बात हो। इस सरकार ने कम से कम इतनी तो हिम्मत की कि 10% आरक्षण देकर उन युवा पीढ़ियों को मदद की जो एक एक नंबर से, दो नंबर से सरकारी संस्थाओं में जाने से वंचित रह जाते थे। तो कम से कम आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रतिभा का चयन भी हो सकता है इस माध्यम से, क्योंकि भारत हमारी विविधताओं का देश है, चाहे उसे भौगोलिक रूप से देखा जाए, चाहे उसे भाषाई रूप में देखा जाए, चाहे उसे संस्कृति के आधार पर देखा जाए, तो बहुत सारी विविधताएं हैं। तो कोई भी सरकार भारत से आरक्षण जैसे शब्द को समाप्त नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये जो इनका इशारा है सरकार का, जो जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने का, वो आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि या तो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के साथ भी न्याय होगा या पूरे देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो मैं मोदी सरकार के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम भारत में कोई ऐसी सरकार तो आई जो अपने योजनाओं को एक सशक्तता के साथ लागू कर रही है। और जय हिंद, जय भारत। देश के कुछ ऐसे राजनेता भी थे जो आज से कुछ सालों पहले कहा था भूरा बाल साफ करो। भूरा वाला मतलब समझ रहे हैं भूमियार, राजपूत, पंडित, लाला। और यहाँ पे एक इन्हीं भूरा बाल को आरक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो एक राजनीतिक विषय है। हम एक शिक्षक हैं और हम शिक्षक होने के नाते तो हम अपने विद्यार्थी के रूप में, अपने जितने भी विद्यार्थी हैं वो किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी धर्म के होते हैं, तो उन्हें मैं एक ही शिक्षा देता हूँ कि बेटा अगर तुम इस देश में अगर रह रहे हो और कुछ बनने के लिए तैयारी कर रहे हो तो याद रखना कि राष्ट्र का विकास सर्वोपरि है और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देते रहें। देखिए जातिगत बातें ये सब पॉलिटिकल लोगों के की अपनी बातें होती हैं, वो लोग चुनाव लड़ना होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। लेकिन वास्तविकता ये है ना कि हमारे देश से जाति, धर्म और संप्रदाय, इन सब बातों को समाप्त करना होगा। आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। युवा पीढ़ी सिर्फ एक बात पर ध्यान दे रही है कि हमें एक अच्छी शिक्षा मिले, हमें एक अच्छा रोज़गार मिले, हम अपना जीवन बेहतर ढंग से चला सकें। आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन राजनेताओं को बता देना चाहता हूँ कि अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब शायद लगता है कि आने वाले 5 सालों बाद, आने वाले 2 सालों बाद शायद आप वोट नहीं पाएंगे। आपको वोट मिलेगा तो विकास के नाम पर मिलेगा। उन विद्यार्थियों को रोज़गार देंगे तब आपको वोट मिलेगा। उन विद्यार्थियों को, उन जनता को अगर आप बेहतर ढंग से सुविधाएं मुहैया कराएंगे तब जाके वोट मिलेगा। अब भूरा भाल, राज तिलक, ये सब शब्दों का मतलब नहीं रह गया है। अब राष्ट्र का नागरिक है और राष्ट्र के आप राजनेता हैं, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, इन सब बातों पर कोई मतलब नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव सर पे है, हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट हो? देखिए निसंदेह पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि मोदी अपने नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो तुरंत निर्णय लेते हैं, जैसे नोटबंदी का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय था, GST का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय था। तो ये विपक्ष के लोग या अन्य लोग कहेंगे सब बातों को, हालांकि मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल निर्णय हो, लेकिन जो भी निर्णय हो, निर्णय है ये बहुत ही शानदार निर्णय है, राष्ट्र के उत्थान का निर्णय है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या लगता है इनकी इस बार भी इनकी सरकार बनेगी? देखिए निसंदेह मैं अगर अपने विचार अगर व्यक्त करूं तो देखिए किसी भी राष्ट्र का विकास सड़क सुरक्षा, संचार, स्वास्थ्य और कृषि, इन 4-5 मुद्दों पर निर्भर करता है। जब ये सारी सुविधाएं अगर बेहतर रहेंगी तो रोज़गार भी इस पर निकलेगा। तो कुछ मामलों में देखिए 5 सालों में मैं अगर जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में देख रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, 4-5 प्रदेशों में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो निसंदेह इन्होंने कार्य कराया है, बहुत अच्छा कार्य किया है और आने वाले 5 वर्ष जो है ये इनको मिलना चाहिए ताकि जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करें और राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान दें। चलिए कुछ और युवाओं से जानते हैं उनकी राय। आपका नाम? मेरा नाम अमन सिंह राजपूत। राजपूत जी स्वर्ण है जी, हम स्वर्ण हैं जी। ये बताइए जो मोदी सरकार ने जो है हम फैसला लिया है कि स्वर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे? जो अभी हुआ है 10% आरक्षण का, इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम है।
लेकिन मेरा एक दो सवाल इसमें है। मेरा सवाल, पहला सवाल ये है कि जो आप बोल रहे हो कि 10% आरक्षण दे रहे हैं, उम्र में कटौती होगी? जो हम लोग 26 साल पे आप बोल रहे हो कोई फॉर्म भरने को नहीं मिलता है 26 साल के बाद स्वर्ण को, तो वहाँ पे कोई कटौती है? आर्थिक आधार पे जो आदमी गरीब है आप उसको कर रहे हो, तो पूरे समाज को आर्थिक आधार पे करो ना यार। जो निम्न वर्ग के आदमी आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, टाटा बिरला घर से हैं और उनके पास पैसा है, आप स्वर्ण में 8 लाख क्यों बना दिए हो कि 8 लाख के ऊपर वाले को नहीं मिलेगा? हर एक जात में करो, आर्थिक आधार पे दो, तब पता चलेगा कि आरक्षण का सही फायदा किसको मिलने वाला है। आप ऐसे आरक्षण दे रहे हो, स्वर्ण के लिए कर रहे हो 8 लाख बॉन्डिंग कर दिए और अदर के लिए कर रहे हो कि जब तुम जहाँ से उठा लो, ऐसे थोड़ी ना होता। आरक्षण का मतलब होता है सबको समान, सबका समान कहाँ हो रहा है? बॉन्डिंग सिर्फ जनरल के लिए, ये गलत है। इन्होंने जो आरक्षण देने की बात कर रही है, समान वर्ग के जितने भी मतलब के आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ये दिया जा रहा है। सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया? 10% आरक्षण दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि स्वर्ण वर्ग के लिए 10% आरक्षण उन आर्थिक रूप से गरीब के लिए क्यों? टोटल के लिए ये आप करो ना, जितने कास्ट आते हैं हर कास्ट के लिए करो कि जो आर्थिक रूप से गरीब रहे उसी को हम देंगे। क्या निम्न वर्ग में संपन्न लोग नहीं है, उनको तो मिल जाता आरक्षण? क्या उनका बाप टाटा बिल्डर रहता तो उनको आरक्षण नहीं मिलता? आरक्षण का मतलब हुआ उनको आरक्षण दो जो रियल रूप से गरीब हैं। योजनाएं बनती हैं, उसके बाद संशोधन होती है उसमें, आपके हिसाब से इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? मेरे अनुसार ये संशोधन बस इतना होना चाहिए कि आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो रियल मायने में आरक्षण के काबिल हैं। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? इसकी पहचान के लिए आर्थिक आधार पर देखा जाए। जो अभी आप कह रहे हो 8 लाख बॉन्डिंग, 8 लाख बहुत ज़्यादा होता है। अब बिहार में देखोगे घर में 1 लाख रुपया भी नहीं सालाना आता है, 1 लाख रुपया किसी के घर पे नहीं आता। ठीक है, आप 8 लाख कैटेगरिया किए ठीक है, लेकिन सबको करना चाहिए ना। अब बंदा मान के चले, मेरा फ्रेंड है, नाम नहीं बताना चाहेंगे अभी, उसके गार्जियन 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। उसके गार्जियन ना कमाते हैं, वो तो नहीं ना कमा रहा, वो तो केडी में आके पढ़ रहा है, केडी कैंपस में हम लोग स्टूडेंट हैं, वो आगे क्या करेगा? जनरल कास्ट है तो उसको मतलब ना मिले? आप पहले 50% पहले आरक्षण दिए थे, 10% इधर दे दिए, 60% आरक्षण दे दिए, बच गया 40%, ओकरा में कितना 4 सीट के लिए फाइट करेगा ये बंदा? फाइट करने के लिए भी जगह छोड़िए कि जहाँ पे ये लोग फाइट हम लोग कर सकें। मेरे बाबूजी को 10 लाख मिलता है तो मेरे इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं ना है। आरक्षण का मतलब हुआ उनको आरक्षण सबको मिलना चाहिए, तो मतलब कि गरीब अमीर नहीं देखना चाहिए यहाँ पे, उन्हीं को मिलना चाहिए। आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हो, शेड्यूल कास्ट को दे रहे हो कि उसका बाबू कितनों भी कमाए लेकिन उसको मिलेगा। हम लोग के साथ वैसा क्या नहीं है, जनरल के साथ? तो ये थे भारत के युवा लोगों की, अपने अपने लोगों ने राय दी और कहा, अधिकांशतः लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले को स्वीकारा और कहा कि नहीं, उनकी काफ़ी अच्छी पहल है। आगे भी और नए नए मुद्दों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे बोले बिहार के खास प्रोग्राम में। कैमरा पर्सन के साथ मैं विशाल चौहान, निजी निरूपण, पटना।